नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आजाद समाज पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। आजाद समाज पार्टी का बढ़ता जनादल लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आजाद समाज पार्टी का दामन तमाम दिग्गज नेता थाम रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी का दामन एक बड़े ही दिग्गज नेता ने थाम लिया है और चंद्रशेखर आजाद ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए एक सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद समझ चुके हैं कि आजाद समाज पार्टी अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में होने वाली है उत्तर प्रदेश में। सांसद चंद्रशेखर आजाद जब से सांसद बने हैं तब से कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है कि आजाद समाज पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बन चुकी है। ये चंद्रशेखर आजाद को महसूस होने लगा है। आपको क्या लगता है, आप भी अपने कमेंट में देना। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूं, आजाद समाज पार्टी काशीराम जो फेसबुक अकाउंट है उससे एक पोस्ट होती है, इससे तीन तस्वीरें साझा की जाती हैं। तीन तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आजाद समाज पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से लिखा जाता है, आजाद समाज पार्टी काशीराम का बढ़ता हुआ परिवार। आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यों से प्रभावित होकर AIMIM पार्टी छोड़कर आए मेरठ के पूर्व मेयर प्रत्याशी भाई मोहम्मद अनस, जिन्हें मेयर चुनाव में 1,28,000 वोट मिले थे, आज लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ये सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। AIMIM पार्टी को छोड़कर मेरठ से मेयर का चुनाव लड़े थे मोहम्मद अनस, वो अब आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए और उनको एक बड़ी संख्या में वोट प्राप्त हुए थे, 1,28,000 उनको वोट मिले थे। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी संख्या है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी कि आजाद समाज पार्टी का दामन तमाम वो दिग्गज थाम रहे हैं जो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी को इस उपचुनाव में मजबूती दे सकते हैं। फिलहाल इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने आज लखनऊ में एक बड़ा ऐलान किया है। उपचुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। 10 सीटों पर उपचुनाव आजाद समाज पार्टी लड़ेगी, ये चंद्रशेखर आजाद का ऐलान है। साथ ही साथ बूथ कमेटी सेक्टर सब तैयार है, आजाद समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, ये चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया है। चंद्रशेखर आजाद को लगने लग गया कि आजाद समाज पार्टी अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देगी। आपको क्या लग रहा है, उपचुनाव आजाद समाज पार्टी अपने दम पर लड़ेगी? चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया, बूथ सेक्टर कमेटी सब तैयार हैं और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का दामन AIM के बड़े दिग्गज नेता जो कि मेरठ से मेयर के चुनाव लड़े और 1,28,000 वोट पाए उन्होंने थमाए। फिलहाल आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। बी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।